शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद के नवाही इलाके डिकोड में हमारे रिपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया क्लब के मरकजी सदर मुशर नईम बुखारी ने अपने वफद के हमराह शाहीन मीडिया प्रेस क्लब की सालाना अवार्ड तकरीब में शिरकत की। जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वफद में मलिक नदीम CEO, CTFSD न्यूज डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन, सैयद शाहद महमूद शाह इंचार्ज नुमाइंदगान CTFSD न्यूज, शहजाद कम्बो, मंजर अली, इम्तियाज मियाँ ज़िया, हाजी सनाउल्ला और दीगर मेम्बरान भी उनके हमराह शामिल थे। तकरीब में नईम जोजा ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलवी आबद हुसैन ने इंतजामी अमूर के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में साफियों समेत इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जिसमें मुर्शद नईम बुखारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने इजहार ख्याल किया और शाहीन मीडिया प्रेस क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी से हल वफादारी लेकर सबको शील्ड और अवार्ड से नवाजा। आखिर में मुर्शद नईम बुखारी ने शाहीन मीडिया प्रेस क्लब की इंतजामिया को पुरवकार तकरीब मुनक्कद करने पर मुबारकबाद दी और मेहमान नवाजी पर सबका शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मुर्शद नईम बुखारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज वक्त ऐसा आ गया है कि हम सब साफियों को मुतहद होकर रहना पड़ेगा। नाइंसाफी की वजह से साफियों पर तशद्दुद, अगवा, कत्ल जैसे संगीन वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। क्लब के एज ए प्रेसिडेंट की हैसियत से शाहीन मीडिया प्रेस क्लब रिपोर्ट की तमाम इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें मदद किया, यहाँ पर हमें दावत दी स्पेशली, और आज की जो तकरीब है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीब करवाई है। तो इस बहुत पुरवकार तकरीब पर और बड़ी कामयाब तकरीब पर मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। और ये आज हम सबको अहद करना होगा, शाहीन मीडिया प्रेस क्लब हो और पाकिस्तान के कोई भी प्रेस क्लब नहीं भी हैं, किसी जगह पर हैं, किसी शहर में हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मीडिया क्लब जो है आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला हम सब ने एक दूसरे के साथ शाला शाला करना है और हमने आपस में अहद करना है कि आज हम जो है तमाम सहाफ़ी आपस में मुतहद होकर रहेंगे, और अगर कोई हमारा कोई मसला होगा तो हम मिलजुल कर जो है उसको हल करेंगे, और अगर हमारे कोई सहाफ़ी भाई को कोई इंतजामिया की तरफ से कोई मसला पेश आता है, पुलिस जैसे उन्होंने कहा था कि पकड़ के लेके जाती है, हमारे सहाफ़ी भाइयों को अगवा किया जाता है, आए रोज कतल की बातें होती हैं, या ये हमारा जो एक पिका जो ऑर्डर दिया गया है ये बिल्कुल फेक न्यूज़ पर जो दिया गया है, इसका कानून ही कोई इसका असलाक नहीं बनता। मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, जिन्होंने ये कानून बनाया है वो होश के नाखून लें, वो अपना इस बात पर गौर करें कि ये हमने एक सहाफत को क्या दबाना है। ये कभी कभी ना घबराए हम,
मैदान में आए हम, इनकलाब ही लाए हम, सच लिखते ही जाएंगे, अस्कर कोड़े खाएंगे, दुनिया से मनवाएंगे। जिंदा है सहाफी जिंदा है, 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 जिंदा है सहाफी जिंदा है। जिंदा है सा
से मनवाए